इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले एक ऐसा टेबल बना लेंगे, उसके बाद ऊपर थीटा की वैल्यूज लिख देंगे और इधर साइड ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, थीटा तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इधर साइड साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कोट थीटा। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। साइन थीटा की वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 0 से 4 तक नंबर लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। सबको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दिया और सबके ऊपर इसके बाद अंडर रूट ले लेंगे। सबके ऊपर अंडर रूट ले लिया, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो 0 अपॉन समथिंग 0 और अंडर रूट के अंदर रहेगा 0, और 0 अगर अंडर रूट के अंदर हो तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 ही आती है। सेकंड क्या है, 1/4, ये आपस में अगर कट रहा हो तो उसको काट देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे कट रहा हो तो, ये नहीं कट रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 1 क्या होता है, 1 के इक्वल हो जाता है, और 4, अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2 के, क्योंकि 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए अंडर रूट 4 2 के इक्वल आता है। अब इसको देखेंगे तो ये कट रहा है, 2 × 2, 2 × 4, ठीक क्या हो गया, 1/2 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा और 2 का अंडर रूट क्या जाएगा, अंडर रूट 2। ठीक है, ये बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि 2 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये भी नहीं कटता आपस में तो अंडर रूट 3, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 3, तो ये भी अंडर रूट के अंदर रहेगा। 4 क्या है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए अंडर रूट से बाहर आके 2 बन गया। इधर देखेंगे ये 1/1 पे कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 के इक्वल आ जाएगा, और अंडर रूट 1 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये सारी वैल्यूज जो हो गई, ये साइन थीटा की वैल्यूज हो गई। तो साइन थीटा की वैल्यूज क्या आई, 0 डिग्री पे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 यहाँ, ये तो 0 डिग्री पे क्या लिखेंगे, 0। 30 डिग्री पे लिखेंगे 1/2। 45 डिग्री पे क्या लिखेंगे, 1/√2, 1/√2। 60 पे क्या है, 3/2, 3/2, और 90 पे क्या आ जाएगा हमारा, 1। ये तो साइन थीटा की वैल्यूज आ गई। अब कोस थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए इसको रिवर्स में लिख देंगे। साइन थीटा के लिए तो हम इस साइड यहाँ से स्टार्ट के करके इस डायरेक्शन में लिखे थे हम लोग, अब कोस थीटा के लिए ऐसे रिवर्स में लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, फर्स्ट नंबर पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 इस यहाँ आ गया, √3/2 सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, थर्ड नंबर पे 1, 2, 3 तो यही रहेगा 1/√2, और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, इधर से गिनेंगे और लिखेंगे इस साइड से, तो फोर्थ नंबर पे 1/2। और सॉरी, फोर्थ नंबर पे अंडर रूट, हाँ 1/2 है, और फिफ्थ नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ नंबर पे क्या है, 0, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे 0। ये हमने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज फाइंड कर ली। नेक्स्ट टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारा इक्वल होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा के, है ना, टेन थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा के इक्वल होता है। तो इसी से हम लोग टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, टेन थीटा सबसे पहले फर्स्ट को लेते हैं 0 डिग्री पे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 1। सेकंड लेते हैं
वन बाय टू बाय साइन थीटा की वैल्यू है वन बाय टू और कोस थीटा की रूट थ्री बाय टू। थर्ड नंबर पे वन बाय अंडर रूट टू और वन बाय अंडर रूट टू दोनों की वैल्यू सेम है। साइन थीटा आएगा वन बाय अंडर रूट टू और कोस थीटा भी है वन बाय अंडर रूट टू। और फोर्थ नंबर पे अंडर रूट थ्री बाय टू, साइन थीटा है अंडर रूट थ्री बाय टू और हमारा कोस थीटा है वन बाय टू, तो वन बाय टू। अब 90 डिग्री पे क्या है, साइन थीटा है वन और कोस थीटा है ज़ीरो, साइन थीटा वन और कोस थीटा ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं। ज़ीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। वैसे ही इसमें देखेंगे तो ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में टू है और नीचे वाले वैल्यू के डिनोमिनेटर में भी टू है, तो ये सेकंड नंबर वाला और फोर्थ नंबर वाला अगर सेम हो तो कट जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा वन बाय अंडर रूट थ्री, वन बाय अंडर रूट थ्री। इसमें भी सेम है वन टू थ्री फोर, ठीक है। जब ऐसे फोर स्टेप में हो तो सेकंड नंबर वाला और सेकंड नंबर वाला और फोर्थ नंबर वाला अगर सेम हो तो कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा वन अपॉन वन इक्वल टू वन, तो ये वन आ जाएगा। इसमें भी सेम ही है, सेकंड नंबर वाला और फोर्थ नंबर वाला टू टू है तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट थ्री अपॉन वन। वन का कोई मतलब नहीं है डिनोमिनेटर में है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट थ्री और वन अपॉन ज़ीरो। यहाँ पे देखिए ज़ीरो अगर ऊपर हो तो ज़ीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। ज़ीरो ऊपर हो तो ज़ीरो के इक्वल आएगा, अगर ज़ीरो नीचे हो यानी कि डिनोमिनेटर में हो तो ये इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है, ठीक है। इन्फिनिटी या इसको नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये हमें टेन थीटा की वैल्यूज़ मिल गई, तो टेन थीटा को लिख लेंगे। टेन थीटा हमारा ज़ीरो डिग्री पे क्या आया, ज़ीरो। 30 डिग्री पे क्या आया, वन बाय अंडर रूट थ्री, तो लिखेंगे वन बाय अंडर रूट थ्री। अब 45 डिग्री पे क्या आया, वन। 60 डिग्री पे क्या आया, रूट थ्री। और 90 डिग्री पे आया है नॉट डिफाइंड, तो लिख लेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब 10 के बाद कोसेकेंट थीटा की वैल्यू देखते हैं। कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू वन बाय साइन थीटा, ये होता है। अब इसी से हम लोग कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देख लेते हैं। सबसे साइन थीटा क्या है, मतलब इसका क्या मतलब है कि ये कोसेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। तो इसको साइन थीटा की जो भी वैल्यू है अगर हम लोग उसको पलट दें तो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ज़ीरो है तो क्या कर देंगे, वन अपॉन ज़ीरो, है ना। यहाँ पे मान लो कि ज़ीरो अपॉन वन है तो इसको पलटेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा वन अपॉन ज़ीरो, और वन अपॉन ज़ीरो अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, है ना। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आ गई, कोसेक थीटा की नॉट डिफाइंड। सेकंड देखते हैं क्या है, वन बाय टू है तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बाय वन। वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में वन है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेकंड 45 डिग्री पे क्या है, वन अपॉन रूट टू, तो इसको भी पलट देंगे तो
रूट टू अपॉन वन आ जाएगा, पर डिनोमिनेटर में वन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है 60 डिग्री पे अंडर रूट थ्री बाय टू, इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा टू बाय अंडर रूट थ्री, और यहाँ पे क्या है वन, वन को पलटेंगे तभी ये वन ही आएगा, क्योंकि वन बाय वन इसको पलट भी दे तो ये वन बाय वन के इक्वल आएगा, यानी कि वन के इक्वल ही आएगा। ठीक है, मतलब रिवर्स कर दे, ये हमें इसके बाद यहाँ आ गई वैल्यूज सारी कोसेक थीटा की। अब क्या करेंगे, सेकेंड थीटा को देखेंगे। ठीक है, सेकेंड थीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे। जैसे हमने कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन थीटा का रिवर्स लिखा था, उसी तरह सेकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोस सेकेंड थीटा का रिवर्स लिखेंगे। ठीक है, ये लास्ट नंबर पे आता है, फर्स्ट पे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये यहीं पे और ये इधर, और ये लास्ट में चला जाएगा। तो इसका रिवर्स लिखेंगे तो ये क्या जाएगा, फर्स्ट नंबर पे, लास्ट में क्या है वन, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे क्या है टू बाय रूट थ्री, तो टू बाय रूट थ्री। थर्ड पे अंडर रूट टू है तो ये यही रहेगा। फोर्थ पे है टू, टू है ये, तो ये टू आ गया। फर्स्ट पे है नॉट डिफाइंड, तो लास्ट में चला जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू भी इसी तरह फाइंड करेंगे जैसे इसका किया था, कोसेकेंड थीटा होता है वन बाय साइन, सेम वैसे ही कोट थीटा होता है वन बाय टेन थीटा, ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग टेन थीटा की वैल्यूज को पलट पलट के लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यूज क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो डिग्री पे ज़ीरो है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना, क्योंकि वन बाय ज़ीरो आ जाएगा तो ये बन जाएगा नॉट डिफाइंड। सेकेंड टेन थीटा क्या है, वन बाय अंडर रूट थ्री, तो इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा रूट थ्री बाय वन, बट डिनोमिनेटर में वन लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसीलिए अंडर रूट थ्री आ जाएगा। फोर्थ थर्ड नंबर पे क्या है, टेन थीटा वन है, तो वन का अगर रेसिप्रोकल भी करे तो वन ही रहेगा। और फोर्थ नंबर पे टेन थीटा हमारा क्या है, टेन थीटा फोर्थ नंबर पे अंडर रूट थ्री है, तो इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा वन बाय अंडर रूट थ्री। ठीक है, अगर ऊपर वन आ रहा हो तो वो लिखना पड़ेगा, अगर नीचे वन आ रहा है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे क्या है नॉट डिफाइंड, तो इसको इसका क्या मतलब है नॉट डिफाइंड का, मतलब ये वन अपॉन ज़ीरो आया होगा, है ना, तो वन अपॉन ज़ीरो आया तभी ये नॉट डिफाइंड है। तो अब वन अपॉन ज़ीरो का रेसिप्रोकल करते हैं, वन अपॉन ज़ीरो को अगर पलटेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ज़ीरो अपॉन वन, और ज़ीरो अपॉन वन डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे वन है तो इसका लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो खाली ज़ीरो लिखेंगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, अब हमें सारे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेकेंड थीटा एंड कोट थीटा की सबकी वैल्यूज़ मिल गई हैं, ये यहीं पे कंप्लीट हो गया।